अभी हम लोग जाने वाले हैं एक कंप्लेंट पे। वहाँ कंप्लेंट क्या आई है पता है? होम कंप्लेंट। तो हमें वहाँ पे जा करके चेक करना है वहाँ पे क्या फंक्शन होगा जानते हो? वहाँ पे खंबा लगा होगा, अगर बिजली की कंप्लेंट है तो खंबा तो लगा ही होगा वहाँ पे, ठीक है? खंबा लगा है वहाँ पे, मीटर भी होगा, ठीक है? ये हमने मीटर बना रखा है, मेन मीटर है, ठीक है? ये मेन मीटर है। और उसके बाद में मेन मीटर से एक एमसीबी बॉक्स होगा बड़ा सा, वहाँ से अलग अलग कमरों के अंदर लाइट गई हुई होगी। कस्टमर का कहना है कि हमारे घर के अंदर लाइट नहीं आ रही है, ज़रा आकर के चेक कर लो, ठीक है? तो हमने उससे पूछा, आया था तो हमने पूछा भाई मीटर में लाइट आ रही है आपने आपके? तो कह रहा है कि हाँ जी मीटर में लाइट आ रही है। तो मीटर में जब लाइट आ रही है तो घर के अंदर नहीं आ रही है, तो कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है? आपको जाना है वहाँ पे और क्या क्या चेक करना है वो हम आपको तरीका बताने वाले हैं। और इसी तरीके से किसी भी घर के अंदर अगर इस तरह से लाइट चली जाती है, एमसीबी में आ रही है या यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं जा रही है, तो आज की ये वीडियो देख करके आप लोगों को ये कन्फर्म हो जाएगा कि मतलब इस तरह की कंप्लेंट अगर घर के अंदर जाने पर पता चलता है कि भैया लाइट मीटर में तो आ रही है या कुछ एमसीबी में आ रही है, आगे नहीं जा रही है, तो वो कैसे हम चेक करें और कैसे पता लगाएँ कि कहाँ पर क्या ख़राब है और कैसे उसके फॉल्ट को हम ठीक कर पाएंगे? इस फॉर्मूले से आप बहुत सारी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखो खंबा होता है जहाँ पे करंट जा रहा होता है, चार तारे होती है, उसमें से दो न्यूट्रल फेस आते हैं आपके मीटर में, मीटर में से दो न्यूट्रल फेस आते हैं आपके, एक मीटर के पास में भी एक एमसीबी कई बार लगा दिया जाता है, ठीक है? एमसीबी अगर नहीं होती है तो डायरेक्ट तार जोड़ करके टेप लगा दिया जाता है। कई लोग एमसीबी लगा लेते हैं, कई बार नहीं लगाते हैं। अगर एमसीबी लगी हुई है, अगर हमारे जहाँ मीटर है वहाँ पर अगर एमसीबी लगी हुई है, पहले आपको मेन मीटर के पास में जो एमसीबी है यहाँ पे चेक करना है कि इस एमसीबी तक करंट आ रहा है कि नहीं मीटर से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मीटर में तो करंट आता है लेकिन मीटर से बाहर निकलता नहीं है, मीटर के अंदर लाइट जल रही है लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है? अब जैसे कि ये एमसीबी लगी हुई है यहाँ पे, सभी कमरों का जो न्यूट्रल होता है यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन किया जाता है, इस तरह से एक पत्ती होती है एमसीबी बॉक्स में, है इस तरह से एमसीबी लगी होती है, यहाँ पे एक न्यूट्रल की तार लगाने के लिए यहाँ पे एक पत्ती लगाई जाती है, ठीक है? तो मीटर से जो है कि लाइट आती है सीधे आपके इधर, ठीक है, आ जाती है इसमें, मीटर से आती है आपके मेन एमसीबी में, मीटर के पास जो एमसीबी लगी होती है उसके अंदर से दो तारें निकल के आपके एमसीबी का जो बॉक्स होता है उसके अंदर मेन एमसीबी में आ जाती हैं। और इसके बाद में जो छोटी छोटी एमसीबी लगी होती हैं इनको सबको एक कर दिया जाता है, एक पत्ती लगा के या तारों को जोड़ करके कर दिया जाता है कई बार, ठीक है? कई बार ऐसे जो है इस तरह से तार जोड़ दिए जाते हैं और यहाँ से फिर एक कनेक्शन, जैसे कि अगर ये आपके ये न्यूट्रल की तार है और ये फेस की तार है, ठीक, तो फेस वाली तार को ले आ करके यहाँ पे जोड़ दिया जाता है और न्यूट्रल की तार को इसमें लगा दिया जाता है। अब कमरे के अंदर सप्लाई कैसे जाती है, कमरे के अंदर की जितनी भी न्यूट्रल की तारें हैं सब आकर के सबकी न्यूट्रल की तारें इन पत्ती के अंदर आके लग जाएंगे, ऐसे लग जाती हैं। और फेस की जो तारें होती हैं, फेस की तारें सबकी इस तरह से आकर के लग जाएंगी, इसमें एमसीबी के अंदर लग जाएगी, तो न्यूट्रल डायरेक्ट हो जाता है और जब एमसीबी को उठाएंगे तो सभी कमरों के अंदर फेस पहुंच जाएगा। लाइट अगर काटनी हो तो फेस काट देंगे तो घर के अंदर लाइट जाना बंद हो जाएगी, अगर किसी को शॉर्ट सर्किट होगा या करंट लगने लायक होगा तो ये फेस गिराने से वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम न्यूट्रल इसको जैसे हमने इसको डायरेक्ट जोड़ दिया है पत्ती लगा के, वैसे इसकी भी पत्ती लगा सकते हैं तो डायरेक्ट करंट जाता रहेगा, कोई चीज़ फूक रहा है तो फूक ही जाएगा पूरी तरह से, इसलिए उस करंट को काटा जाता है। जब हम एक छोटे से बोर्ड की जब उसकी कनेक्शन करते हैं तो भी उसका भी कनेक्शन ऐसे ही किया जाता है, सबका न्यूट्रल एक एक जगह किया जाता है और उसके बटन से हमें फेस को काटना होता है, समझे ना? हर बोर्ड के अंदर एक एसपीएन एमसीबी लगाई जाती है, एसपीएन होती है, ठीक है? एसपीएन यानी कि ये आपकी जो है कि ट्रिप कर जाएगी, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट होगा उसको ट्रिप कर जाएगी, हमेशा एक एमसीबी को एसपीएन लगाना चाहिए। एक होता है डीपी, डीपी होता है मतलब डायरेक्ट आपको सप्लाई दे देगा आगे, वो अगर फॉल्ट होगा तो कटेगा नहीं, वो अपना लगा ही रहेगा बस, वो खाली ऑन ऑफ करने कट आउट होता है ऑन ऑफ करने के लिए बस। तो आपको कनेक्शन चेक करना है कि मतलब किसी भी कमरे में लाइट नहीं जा रही है, एकदम से बंद हो गई है, तो आपको चेक करना है कहाँ पर, आपको सबसे पहले मीटर से करंट आ रहा है यहाँ तक कि नहीं, ठीक है? यहाँ तक करंट आ रहेगी, आपको सीरीज लैंप लेना है इस तरह का, देखो जो हमने बना रखा है ऐसा ही बनाना है आपको भी, ठीक है? ऐसे बना लेना है, ये आपका जो है कि सीरीज का काम कर देता है, जब इसको घर पे ले आके आप इसको लगा देंगे तो सीरीज का काम करने लग जाएगा, और इसको आप इसे जो हमने शॉर्ट कर देते हैं यहाँ से इस तरह से, तो ये आपका
टेस्ट लैंप का काम करने लग जाएगा। अब इसको कहीं भी लगाओगे न्यूट्रल और फेस पे तो आपका ये बल्ब जल जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मतलब जो यहाँ से यहाँ तक जो है कि मीटर में तो लाइट जल रही है, लेकिन क्या आपके एमसीबी में भी करंट आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इन नीचे वाले पॉइंट पे आप पहले लगाओगे, हैं, आपका अगर बल्ब जलता है तो इसका मतलब है कि मीटर से आपका करंट मेन एमसीबी तक आ रहा है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि ये जो एमसीबी लगी हुई है मीटर के पास में, इसको उठाने के बाद में करंट घर में नहीं जा रहा है, तो क्या ये एमसीबी करंट पास कर रही है या नहीं, क्योंकि मीटर एमसीबी तक आ रहा है, मीटर करंट दे रहा है। अब मीटर के बाद में जो एमसीबी लगी उसके बाद में करंट अंदर क्यों नहीं जा रहा है, कहीं ये एमसीबी तो नहीं खराब है पहली वाली। तो इसको आपको चेक करना है, एमसीबी को उठा करके ऊपर वाले पॉइंट पे आपको इस टेस्ट लैंप को लगाना है। अगर आपका बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब है कि ये एमसीबी आपकी यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कि भाई यहाँ पे एमसीबी लगी है तो आपको इस तरह से चेक करना है। अब यहाँ पे मान लो कि एमसीबी नहीं लगी है, ठीक है, क्या किया है कस्टमर ने पैसे बचाने के लिए या किसी भी कारण, और भी कारण हो सकता है, यहाँ पे कर दिया है ज्वाइंट, ज्वाइंट लगा करके टेप लगाया हुआ है मीटर के पास में, एमसीबी नहीं है। अब सीधे हमारे ये तार ज्वाइंट जोड़ करके सीधे इस एमसीबी में चला गया है। जब आपके इस एमसीबी के अंदर चला गया है तो अब आप कैसे चेक करोगे, आपको सबसे पहले ये ज्वाइंट नहीं चेक करना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आग वगैरह लगी हुई है, आपको दिख रहा है कि भैया ये टेप ओप जला हुआ है, तब तो आप सीधे से यहीं पे खोल लो। लेकिन टेप ओप अगर नहीं जला हुआ है तो सीधे आपको एमसीबी बॉक्स के ढक्कन को उखाड़ लेना है, खोल लेना है, उसमें से देखना है कि मेन एमसीबी कहाँ पे है। तो मेन एमसीबी आपको डबल पोल में मिलेगी, दो पोल की होती है, सिंगल वाली एमसीबी मेन नहीं होती है, जो जिसमें दो होती है ना, दोनों तार लगाए जाते हैं, वो डबल होती है। तो उसके नीचे वाले पॉइंट में जैसे कि ये मीटर की तार इसमें आई हुई है ना, अगर ये अंडरग्राउंड भी है ना तो भी आप यहाँ से मिला सकते हो कि इसमें कौन सा कलर यहाँ पे है और इसके अंदर कौन सा कलर, तो यही कलर यहाँ पे भी गया होगा ना, तो उस कलर भी देख करके सकते हो, हाँ जी यही वाली तार यहाँ पे आई हुई है। इसके अंदर आपको जो नीचे वाली एमसीबी है उसके अंदर ये दोनों तार आप लगा लोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं, टेस्ट लैंप से पता चल जाएगा। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि आप टेस्टर से जब चेक करोगे, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप अगर टेस्ट लैंप से चेक करोगे तभी आपको कन्फर्म पता होगा चलेगा। ठीक है, और आप इसको टेस्टर से जब चेक करोगे तो टेस्टर आपका सही से नहीं बताएगा। टेस्टर कई बार आपको अगर फेस कट रहा होगा यहाँ से, फिर तो आपका मतलब ना तो न्यूट्रल बताएगा ना फेस बताएगा करंट टेस्टर। ठीक है, लेकिन अगर आपका न्यूट्रल कट रहा है, न्यूट्रल का मतलब पॉइंट ख़राब है, जल गया है या कुछ ख़राब हो गया है, तो आपका यहाँ पे दोनों ही पॉइंटों के अंदर फेस बताएगा। अगर यहाँ तक फेस आ रहा है, ठीक है, और न्यूट्रल नहीं आ रहा है, तो आपके इस एमसीबी के सारे पॉइंटों के अंदर, इसमें भी सब में फेस बताएगा, टेस्टर जलेगा। टेस्टर जिसके अंदर जलता है वो फेस का करंट होता है। अगर यहाँ तक न्यूट्रल नहीं आएगा किसी भी कमरे के अंदर या किसी बोर्ड के अंदर पूरे में, तो सबके अंदर फेस बताएगा। लेकिन अगर फेस नहीं आएगा तो न्यूट्रल नहीं बताएगा, ये समझे। ये दिमाग में थोड़ा सा ये खिचड़ी वाली बात है, लेकिन रखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, इस लॉजिक को बार बार सुनना, इस बात को आपको ये समझना है कि जब यहाँ तक है, मतलब न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं, फेस आ रहा है कि नहीं, तो आपको पहले एमसीबी को गिरा लेना है कि आपका रिटर्न, क्योंकि जब आप एमसीबी उठा के रखेंगे और एमसीबी अगर ये सही होगी तो आपके अगर फेस आता रहेगा तो आपके सब में दोनों में ही मतलब फेस बताएगा। अब एमसीबी जब गिरा दोगे तो फेस आपका यहीं पे कट जाएगा और न्यूट्रल मतलब यहाँ से न्यूट्रल और फेस आ रहा है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किसमें न्यूट्रल और किसमें फेस है। ठीक है, यहीं पे आपको पता चल जाएगा, एक में जलेगा और एक में नहीं जलेगा, आपको पता चल जाएगा कि फेस का करंट आ रहा है, न्यूट्रल वाला नहीं आ रहा है, न्यूट्रल का कहीं बीच में से यहाँ से फॉल्ट है, ये मतलब शॉर्ट हो गया है या कुछ हो गया, मतलब जो भी है, इसको खोल करके आप चेक कर सकते हो। उसके बावजूद अगर आपको दोनों में फेस पता चल रहा है, आपको कन्फ्यूजन है कि यार हो सकता है यार लाइट हो, मैं लगाऊँ दोनों में तो फेस आ रहा है, तो आप सीरीज का लैंप लगा करके ऐसे दोनों पॉइंटों पर लगा के देख लो। अगर बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब न्यूट्रल फेस आ रहा है, और अगर बल्ब नहीं जलता है, टेस्टर खाली जल रहा है दोनों में, तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल नहीं आ रहा है, दोनों के अंदर फेस बता रहा है, तार कहीं पे जल करके आपस में चिपक गई है और फेस दोनों के अंदर आने लग रहा है। तो आपको वायरिंग भी खोलनी पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वायरिंग खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होता क्या है कि ये जो ज्वाइंट लगा हुआ है, बरसात के कारण या किसी और कारण, या ज़्यादा समय होने की वजह से या ज़्यादा लोड पड़ जाने की वजह से ये ज्वाइंट जो है कि जल जाते हैं, यहाँ पे टेप के अंदर अंदर ही वो कार्बन पकड़ लेता है, वहाँ पे जल जाता है, वो कनेक्शन जो होता है वो छूट जाता है, इस वजह से न्यूट्रल नहीं जाता है आगे। और ज़्यादातर हमारी जो वायरिंग होती है, जब यहाँ पे मीटर के पास में ज्वाइंट होता है, इसके अंदर न्यूट्रल ही ज़्यादातर खराब होता है। अब यहाँ से जब आप काट करके आप दोबारा से जोड़ देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, यहाँ तक न्यूट्रल आने लग जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आपका बल्ब यहाँ पर जल रहा है सही से,
जब आप इसको बल्ब लगाते हैं टेस्ट लैंप, तो आपका अगर यहाँ पे जलता है हैं, और इसके उठाने के बाद में आपका जो कि एमसीबी उठा दिए और उसके बाद में यहाँ पे इन दोनों के अंदर फेस आने लग रहा है, यहाँ पे आपका बल्ब जल रहा है लेकिन एमसीबी उठा रहे हैं, तो ना ही तो घर की लाइट जल रही है और बल्कि दोनों के अंदर दोनों ही पॉइंटों में आपका फेस चालू हो रखा है। एमसीबी उठा दोगे तो फेस बताएगा, क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि आपकी ये भी एमसीबी ख़राब है। अगर यहाँ तक आपका बल्ब जल रहा है टेस्ट लैंप और उसके बाद एमसीबी उठाते हैं और उसके बावजूद इसके अंदर मतलब दोनों में एक में न्यूट्रल बताना चाहिए और एक में फेस बताना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक में टेस्टर जलेगा आपका फेस होगा, फेस वाले में टेस्टर जलेगा, न्यूट्रल वाले में टेस्टर नहीं जलेगा अगर ये एमसीबी सही होगी तो, ठीक है। कई बार होता है कि ये फेस वाले जो कि अंदर से पॉइंट जो कि शॉर्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, कई बार इसके अंदर से न्यूट्रल वाला कनेक्शन आगे नहीं दे पाता है, ठीक है। दोनों में अगर न्यूट्रल वाला कनेक्शन आगे नहीं देगा तो दोनों में ऊपर वाले पॉइंटों में फेस बताने लग जाएगा, लेकिन अगर फेस वाला अगर ख़राब होगा तो ऊपर वाले में कुछ भी नहीं बताएगा। आपको क्या करना है, एमसीबी को उठा करके, ठीक है, इसको अगर चेक करना है आपको तो इसको भी चेक कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे भी चेक कर सकते हो इस प्रॉब्लम में अगर ऐसी आती है तो आपको एमसीबी को उठा करके इन दोनों पॉइंटों में ऊपर नीचे आपको लगता है कि न्यूट्रल नहीं आ रहा है या बारी बारी से दोनों में लगा लीजिए, ठीक है, दोनों में लगा एमसीबी उठा करके दोनों में इस तरह से आपको एक तार को ऊपर लगाइए ऊपर वाले पॉइंट में और एक तार को नीचे वाले पॉइंट में, ऐसे लगाएंगे तो आपका ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है, बल्ब जल जाएगा। और बल्ब अगर धीरे धीरे जलेगा तो कोई ना कोई प्रोडक्ट घर के अंदर चल रहा होगा, जैसे पंखा है और लाइट चालू होगी तो बल्ब जो है कि अपने आप जल जाएगा। वो बल्ब जैसे आप सीरीज लगाएंगे ना, जैसे कि ये कनेक्शन मान लो यहाँ पे टूटा हुआ है, ये तार गया हुआ है यहाँ से, मान लो कि ये तार फेस का है, ऐसे जुड़ा हुआ है, एमसीबी उठाने के बाद ये जुड़ जाता है, ठीक है, तो अगर ये बीच में से कट जाएगा तो एमसीबी तो उठा दिया, ये वाला तार जुड़ा हुआ है लेकिन ये वाला जुड़ा हुआ नहीं है, तो जब आप इस तरह से इसमें टेस्टर लगाओगे, ये टेस्ट लैंप जब इसे ऐसे लगाओगे इन दोनों के ऊपर ऐसे में, तो ये अपना कनेक्शन आगे मिलने लग जाएगा ना फेस का, है ना, कनेक्शन मिलने लग जाएगा, तो उसके बाद में आपका जो मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट होंगे जिसके ऊपर लोड कम होता है जिसका, जैसे 5 वाट का, 7 वाट का या 30 वाट का, 50 वाट का, तो वो प्रोडक्ट जो है कि थोड़ी मात्रा में जलने मतलब चलने लग जाएंगे, बल्ब होगा तो जलने लग जाएगा, समझे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी जो कि ये एमसीबी ख़राब है, ठीक है। उसके बाद में मान लो कि ये भी एमसीबी सही है, ठीक है, ये एमसीबी सही है, यहाँ पे बल्ब जल रहा है, यहाँ मतलब यहाँ भी बल्ब जल रहा है सही से, टेस्ट लैंप है, हैं, और यह से हम एमसीबी उठाते हैं उसके बाद यहाँ पे भी जल रहा है, इन दोनों जगह पे जल रहा है, तो इसका मतलब ये एमसीबी आपकी सही है, करंट ऊपर तक पास कर रही है। अब आगे प्रॉब्लम हो सकती है कहाँ पे, ये देखो कि इन पॉइंटों के अंदर फेस आ रहा है कि नहीं, क्योंकि फेस इसी में आना चाहिए, ठीक है, इनमें फेस आ रहा है कि नहीं, तो आपको टेस्टर लगा करके इसके अंदर ऐसे चेक करना है सब में, अगर टेस्टर आपका जलता है तो इसका मतलब फेस आ रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ से न्यूट्रल और फेस गलत कर रखा है तो फेस इसके अंदर आएगा, जो कि ये गलत है। आप इस तरह से अगर फेस इसमें आता है तो आपको यहाँ से कनेक्शन तुरंत उठा करके चेंज कर लेना चाहिए, यहाँ से चेंज कर लो या यहाँ से चेंज कर लो या यहाँ से चेंज कर लो, तार को बदल देंगे तो तार बदल दो, हाँ, ऐसे निकला हुआ ऐसे लगा हुआ उसको निकाल के ऐसे, हाँ, इनके यहाँ जैसे ठीक किया था उसी तरह से, ठीक है, तो उसको चेंज कर लो तो आपको फॉल्ट ढूंढने में आसानी रहेगी अगर ऐसा कर लोगे तो इसके अंदर अगर फेस आपका आ रहा है तो उसके बाद आप इसको इन सभी एमसीबियों को उठा दीजिए जो छोटी छोटी लगी हैं, उसके बाद में आप ऊपर वाले पॉइंट में देखिए इनके अंदर फेस पहुंच रहा है कि नहीं, अगर जिसके अंदर फेस नहीं पहुँच रहा है तो यानी कि वो एमसीबी ख़राब है। आप उसके अंदर जब इस तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ऐसे शॉर्ट करो टेस्ट लैंप लगा करके, तो इसके पॉइंट में भी आप ऐसे शॉर्ट करेंगे तो उस कमरे की लाइट जल जाएगी इस टेस्ट लैंप लगाने से ही, इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि आपकी वो एमसीबी ख़राब है, ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर आपके टेस्टर लगा रहे हो तो फेस नहीं बता रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से तार वगैरह ये वाली जो तार है कहीं ना कहीं से ये या तो अंदर से ही जल गई है या तो यहाँ पे सही से लगी नहीं है या मतलब कोई ना कोई फॉल्ट पड़ गया इस तार में, जो फेस करंट यहाँ तक दे रहा है वो आ नहीं रहा है, यहाँ तक एमसीबी में तो आ रहा है लेकिन इसके आगे नहीं पहुँचा रहा है ये, तो यहाँ पर आपको चेक करना है। और उसके बाद जब मान लो कि आपका फेस यहाँ तक पहुँच रहा है, हैं, उसके बाद में आप देखो कि क्या न्यूट्रल भी मतलब पूरा यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, तो आपको एक फेस की तार इसमें लगाना है या इसमें किसी पॉइंटों में लगा लेना है, फेस को ऐसे लगा लेना है और यहाँ पे भी इन पत्ती के ऊपर लगा के देखना है आपको ऐसे, ठीक है, ऐसे पत्ती पे लगा के देखना है तो आपका बल्ब जलना चाहिए इस पे और इस पे लगाने के बाद, क्योंकि फेस यहाँ से होकर के इसमें से यहाँ तक आ रहा है और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट है, ये बल्ब यहाँ पे जलना चाहिए। अगर ये बल्ब यहाँ पे नहीं जल रहा है
तो इसका मतलब है कि ये तार में कहीं फॉल्ट हो रखा है या यहाँ से जल गया है, जल जाता है यहाँ से जो कसा रहता है नट बोल्ट, यहाँ पे जल जाता है, यहाँ से भी कई बार जल जाता है। इनको खोल करके आपको ये पॉइंटों पे सही करोगे तो आपके कमरों की लाइट जल जाएगी। अगर किसी एक कमरे की लाइट नहीं जल रही है तो उसमें ये फॉल्ट होता है कि कोई या तो कोई MCB खराब होगी या तो ये तार जहाँ तक जिस बोर्ड के अंदर गया हुआ है उस वह तार ही उस फॉल्ट कर जाती है। ठीक है, तो किसी कमरे की लाइट है सबसे पहले आपको MCB में चेक करना है लाइट जाती है तो, क्योंकि मेन सबका एक जगह ही होता है। कभी भी अगर आपको वायरिंग करने का मौका मिलता है हाउस वायरिंग का, बिजली फिटिंग का, तो आपने कभी भी जैसे कि ये तार यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट गया है, ये अंडरग्राउंड भी हो सकता है, पाइप के अंदर भी हो सकता है या बैटन के अंदर भी हो सकता है, तो आपको बीच में कहीं पर भी ज्वाइंट नहीं डालना है। ये तार यहाँ से यहाँ तक सिंगल ही होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जब भी फॉल्ट पड़ेगा तो यहाँ से पड़ेगा या यहाँ से पड़ेगा, और अगर आप जॉइंट डाल देंगे तो आपका बीच में भी से भी फॉल्ट पड़ जाएगा, तो पाइप के अंदर आप निकालने में आपको फॉल्ट ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। यहाँ बोर्ड के अंदर अगर मिलेगा, अगर फॉल्ट होता है तो आप उसको ढूंढ लोगे, पता चल जाएगा, लेकिन बीच में हो जाएगा तो आपको पूरी लाइन उखाड़नी पड़ जाएगी, समझे ना। तो कभी अगर मौका मिले तो कभी बीच में जॉइंट नहीं डालना चाहिए, ये जो करते हैं ऐसा बहुत गलत काम करते हैं। तो हमें अभी किसी के घर पर जा रहे हैं चेक करने के लिए, तो इसी फॉर्मूले से हमें उनके घर की लाइट को चेक करना है, और ऐसे ही सभी के घर की लाइट चेक की जाती है। बहुत से घरों के अंदर इन्वर्टर लगा हुआ होता है, तो इन्वर्टर का जो तार होता है ना वो सबका एक ही होता है, मतलब सभी कमरों से आएगा और एक जगह ज्वाइंट हो जाएगा, और ज्वाइंट होकर के यहाँ से मतलब सबके जगह ज्वाइंट होता है और इसको टेप लगा दिया जाता है। अब यहाँ से अगर नीचे में कोई MCB के पास में कोई बोर्ड लगा हुआ है तो उसके अंदर से एक तार ऐसे आता है, हैं, और इन्वर्टर कहीं अलग ही लगा हुआ होता है, कहीं अलग ही इन्वर्टर लगा होता है जिसके अंदर से एक फेस सप्लाई दी जाती है और वहीं पे आपके रूम के ही न्यूट्रल और फेस लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से सप्लाई दी जाती है, इसको आपको नहीं छेड़ना है किसी भी कमरे का। ये जो MCB चेक करने जाते हैं, लाइट चेक करते हैं, तो इस तरह से अगर आपको एक जगह एक ही कलर की तार होगी, वो पीली होगी या नीली होगी या सफ़ेद होगी, कोई भी तार होगी एक ही जगह होगी, इस तरह से इकट्ठी होगी टेप लगा करके, उसको आपको हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, जब इन्वर्टर के अंदर कभी प्रॉब्लम आती है तभी आपको उसको हाथ लगाना है। बाकी आप मतलब कहीं पे भी कंप्लेंट पे जाते हैं हाउस कंप्लेंट में और उनके घर के अंदर लाइट नहीं आ रही है तो आपको इसी फॉर्मूले से चेक करना है।